फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे विंटर स्पेशल लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो विंटर्स में मैं कैसे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ, तो यही आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आज कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये वुलन की पोशाक देख रहे हैं, ये मैं गोपाल जी को पहनाऊँगी, लड्डू को पहनाऊँगी। और लड्डू के लिए ये पिंक फ्रॉक वाला वुलन पोशाक है, ये मैं पहनाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो लड्डू और गोपाल दोनों ही ये पोशाक पहनेंगे। इनर्स जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लड्डू और गोपाल दोनों को ही पहना दिए हैं। तो जब भी आप गोपाल जी को विंटर्स में पोशाक पहनाते हैं तो डायरेक्ट वुलन्स ना पहनाएं, अंदर आप कुछ भी पहना सकते हैं। चाहे तो आप जो नॉर्मल पोशाक होती है वो पहना दीजिए, इनर्स आपके पास हैं तो आप इस तरीके से इनर भी पहना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ऊपर से स्वेटर्स वगैरह जो भी हैं वुलन्स के वो पहना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये वुलन पोशाक जो है वो पहना रही हूँ लड्डू को, और फिर हम गोपाल को भी ये पिंक पोशाक पहना देंगे। तो बिल्कुल जैसे बच्चों को ही स्वेटर्स पहनाते हैं, वैसे ही आपको लड्डू को भी ये पोशाक पहनानी है। और जिस तरह से वुलन पोशाक पहना रही हूँ, थोड़ा जो ड्रेसेस हैं वो हैवी हो जाएंगी। ऑलरेडी लड्डू ने इनर भी पहना हुआ है तो जो श्रृंगार है वो ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ही श्रृंगार करेंगे यहाँ पर हम। और बस देखिए यहाँ पर मैंने ये प्यारी सी पोशाक जो है वो पहना दी है, इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे अब। तो कुछ इस तरह से, और ये पूरी पोशाक सेट करने के बाद हमारे लड्डू कैसे लग रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पोशाक में यहाँ पर दी हुई है एक छोटी सी डोर, उसे भी मैं टाई कर लूँगी। और ये देखिए लड्डू ने पहन ली है प्यारी सी पोशाक, इनका श्रृंगार करेंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें ये वुलन की जो कैप है वो पहनाएंगे। तो चलिए जब तक गोपाल को भी पोशाक जो है वो पहना देते हैं। तो ये जो पिंक पोशाक देख रहे हैं ये मैं गोपाल को पहना रही हूँ। गोपाल बहुत ही छोटे हैं तो छोटी छोटी पोशाक इनकी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ये पोशाक जो है ये मैंने बाय नहीं की है, ये हैंडमेड ही है। तो ये मेरी मम्मा ने बनाई थी, उन्होंने ही ये खुद से बनाकर मुझे दी है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, गोपाल को भी एक प्यारी सी पोशाक जो है वो पहना दी है वुलन्स की, और लड्डू ने भी पोशाक पहन ली है। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब बस इनका हम हल्का सा श्रृंगार करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग कैसा श्रृंगार कर रहे हैं फ्रेंड्स विंटर्स में, मुझे ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पर आप अपने लड्डू गोपाल जी की पिक्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं हैवी ज्वेलरी नहीं पहना रही हूँ, यहाँ पर ये जो वैजंती माला है वो मैंने इन्हें पहना दी है। आप चाहें तो तुलसी माला अगर आपके पास है तो वो भी आप इन्हें पहना सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैजंती माला इन्हें पहना दी है। इयररिंग्स जो हैं वो इनके वो मैं इन्हें पहना दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोपाल को जिस तरह गोपाल तो और भी छोटे हैं तो इन्हें ज़्यादा हैवी मेकअप हैवी श्रृंगार नहीं करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे जब हम इन्हें वुलन्स पहना देते हैं तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो गोपाल को मैं ज़्यादा हैवी इनका जो श्रृंगार है वो नहीं करने वाली, और लड्डू का भी हल्का फुल्का श्रृंगार ही करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, मैंने इन्हें ये वैजंती माला जो है वो पहना दी है, प्यारे से इयररिंग्स पहना दिए हैं। बस अब हम इन्हें तिलक लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक छोटा सा तिलक लगा दिया है मैंने इन्हें। फ्रेंड्स, कौन सा इत्र लगाना है सर्दियों में, इसकी भी अलग अलग जो इत्र हैं वो आते हैं, इसकी अलग अलग सेवाएं जो हैं, इत्र सेवा वो सर्दियों में अलग इत्र से दी जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसकी भी एक वीडियो अलग से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सर्दियों में जो ज़्यादा ठंडा ना करे इत्र, वो मैं यहाँ पर अभी लड्डू और गोपाल जी को लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोपाल को भी तिलक लगा दिया है, और बस अब हम इन्हें केश लगा देंगे। तो समर्स में मैं डायरेक्ट कभी कभी जो कैप है वही पहना देती हूँ, और कभी कभी जैसे अभी मैंने यहाँ पर केश लगा रही हूँ तो दिखा देती हूँ।
तो आप अपने अकॉर्डिंग श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कैप पहनाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज ये केश लगा रही हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इनके ये केश लगाने के बाद इन्हें लगा देंगे कैप। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इनके घूंघर वाले केश थे वो मैंने सेट कर दिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इन्हें ये कैप भी पहना दी है। तो इस तरह से इनका जो श्रृंगार है वो पूरा हो चुका है। बस अब हम इन्हें पकड़ाएंगे बांसुरी, और फिर हमारे जो लड्डू हैं वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ही प्यारे से हमारे लड्डू लग रहे हैं। और देखिए, अब गोपाल को भी मैं केश लगा दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर इन्हें भी कैप पहना दूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गोपाल भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें भी मैंने ये जो कैप है वो पहना दी है, और देखिए दोनों का ही श्रृंगार हो चुका है। दोनों ही बच्चे कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप कैसे कर रहे हैं विंटर्स का हल्का फुल्का श्रृंगार, मुझसे इंस्टाग्राम पर अपने लड्डू गोपाल जी की पिक्स ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं भी उनके दर्शन कर पाऊँ, देख पाऊँ कि आप लोग कैसा श्रृंगार कर रहे हैं विंटर्स में। और यही था फ्रेंड्स विंटर्स का हल्का फुल्का सा श्रृंगार। तो डेली बेसिस पे मैं ऐसा ही श्रृंगार कर रही हूँ अभी लड्डू गोपाल जी का। और सेवा कैसे करनी है, सर्दियों में क्या भोग लगाना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वीडियो चेक नहीं किया है तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये श्रृंगार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से लिंक चेक कर सकते हैं। और यहां पर मैंने लड्डू गोपाल जी को प्यारी सी कालंगी लगा दी है, तो ये मोरपंख कालंगी आप देख सकते हैं। ऐसे ही कालंगी यहां पर मैं गोपाल को भी लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू और गोपाल दोनों को ही श्रृंगार हो चुका है, और बहुत प्यारे, बहुत सुंदर से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लड्डू गोपाल कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।